Okay, so till that, in the rig hydraulic, we have seen different pressure lost, which overcome by the pump output, so that our continuous circulation of the mud don't get disturbed. So इतना देखा कि हमारे पंप को जो प्रेशर जनरेट करना है और आई कैन से स्टैंड बाय प्रेशर वो कितना था पंप को जो जनरेट करना है इज इक्वल टू टोटल लॉस्ट इज इक्वल टू पी बीट लॉस्ट प्लस बीट के आसपास जो लॉस्ट था सरफेस लॉस्ट प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फाइव प्लस पी सिक्स कुछ इस तरह का हमने देखा था बुक में इसको पी वन दिया हुआ है और ये पी बीट क्या था अपना इस केस में पी फोर था तो ये आप अंडरस्टूड कर लोगे यस कर लोगे चलो इसको मैं बोल रहा हूँ ये जो वैल्यू है इसको मैं बोल रहा हूँ सेक्रीफाइस लॉस इसको मैं बोल रहा हूँ सेक्रीफाइस लॉस्ट ओके स्पेलिंग शायद गलत हो तो देख लेना सो ये लॉस्ट जो टोटल लॉस्ट है उसमें से क्या हटा दूँ पी बीट हटा दूँ यानी कि जो टोटल लॉस्ट है पंप नहीं अब मैं टोटल लिखूँगा क्योंकि टोटल लॉस्ट है उतना ही पंप को क्या करना है जनरेट करना है तो पी टोटल माइनस पी बीट इसको मैं क्या बोल रहा हूँ पी सेक्रीफाइस लोड बोल रहा हूँ ठीक है तो ये कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है इसका यूज आएगा इसको इक्वेशन वन बोल देता हूँ अब मैं बोलूँ मेरा जो पंप है उसकी पंप की मैकेनिकल इफिशेंसी अब मैकेनिकल इफिशेंसी बोल रहा हूँ तो आपको समझ जाना है कि हम पंप को इन टर्म्स ऑफ द फ्यूल और इन टर्म्स ऑफ द इंजन जो पावर दे रहे हैं वो पूरा इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो वहाँ पे जो इफिशेंसी है अगर मैं उसकी बात करूँ ईएम ले रहा हूँ मैकेनिकल इफिशेंसी उसकी ईएम जितनी है तो पंप का रेटिंग क्या होना चाहिए यानी कि पंप को कितना इनपुट होना चाहिए ठीक है पंप कितना इनपुट हम पंप को कितना इनपुट रेटिंग से अच्छा इनपुट ही यूज़ करो यहाँ पे तो मुझे पता है टोटल मेरी सिस्टम को कितनी एनर्जी जनरेट करनी है पी टोटल की पी किस में है पीएसआई में है पीएसआई टू मुझे जाना है हॉर्स पावर किस में जाना है हॉर्स पावर में तो ये आउटपुट वाला हॉर्स पावर यानी कि जो हमारा पंप एनर्जी जो आउटपुट के तौर पर देगा वो कितने हॉर्स पावर होगा तो ऑलवेज याद रखो प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है वर्क होता है और प्रेशर इंटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होगा वर्क डन पर यूनिट सेकंड होगा तो हॉर्स पावर किसके इक्विवेलेंट होता है वर्क डन पर यूनिट सेकंड तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे फ्लो रेट जो हमारा कांस्टेंट चाहिए था हमें ठीक है वो वाला फ्लो रेट डिवाइडेड बाय यूनिट को अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो आगे शायद आई डोंट नो ये फॉर्मूला करवाया है या नहीं तो ये आउटपुट हॉर्स पावर मिलेगा ये क्या मिलेगा जो आउटपुट मुझे चाहिए इतना पंप का आउटपुट होना चाहिए नहीं इनपुट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इनपुट नहीं आउटपुट होना चाहिए फ्लो रेट यहाँ पे कांस्टेंट ले रहा हूँ जितना टोटल लॉस्ट है उसके इक्विवेलेंट जो हॉर्स पावर देगा तो ये होगा पीएसआई में और होगा गैलन पर मिनट याद रखना ये ट्रैप है यहाँ पे गैलन पर मिनट में ही डालो और ये पीएसआई में ही आपको फुट करना है ठीक है तो ये फॉर्मूला हो गया आपने हॉर्स पावर का ये पंप का आउटपुट होना चाहिए तो मैं बोलूँ पंप का हॉर्स पावर में इनपुट कितना होना चाहिए आउटपुट को किससे डिवाइड करो पंप की मैकेनिकल इफिशियंसी से तो ये मिल गया इनपुट और ये मिल गया ये इन टर्म्स ऑफ दी बस पावर का मैंने आपको क्या करवाया कन्वर्जन करवाया कहाँ कहीं पे भी आपको प्रेशर को पावर में कन्वर्ट करना हो डायरेक्ट हॉर्स पावर निकालना हो तो याद रखो पीएसआई इनटू गैलन पर मिनट से हॉर्स पावर 17-14 वाला फॉर्मूला तो ये छोटी मोटी चीज़ थी आपको बता दिया मैंने अब हम देखने वाले हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस फॉर गिवन कॉन्स्टेंट फ्लो रेट ओके ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस फॉर गिवन कॉन्स्टेंट फ्लो रेट ठीक है
अब आप सोचोगे कि भैया जब बीट होता था वहाँ पे लॉस्ट ज़्यादा है, तो क्या वहाँ पे वेलोसिटी क्यों बढ़ के मिल रही है? ठीक है, फ्लो रेट तो आप कांस्टेंट कर रहे हो, बट आपको पता हो तो क्यू कांस्टेंट रखना है। ठीक है, क्यू कांस्टेंट रखना है, तो बीट पे हम क्यों नोजल यूज़ करके एरिया रिड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि क्यू क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। हम नोजल में क्या कर रहे हैं? एरिया रिड्यूस कर रहे हैं। अब क्यू को कांस्टेंट रखना है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा, ये रिड्यूस हो रहा है तो ये वाला इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली हाई वेलोसिटी मिल जाएगी जो कटिंग को लिफ्ट करेगी। इसीलिए बिट में क्या होता है? नोजल होता है। अब ऑप्टिमाइजेशन से मेरा मीनिंग क्या है? ऑप्टिमाइजेशन से मेरा मीनिंग है कि मुझे क्या करना है, जो ये सारा लॉस्ट हो रहा है उसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। मैं बोल रहा हूँ प्रेशर का लॉस्ट क्या करना है, पी टोटल जो लॉस्ट हो रहा है वो क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो मुझे किसी भी फंक्शन की, सपोज करो पी टोटल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द फ्लो रेट। किसका फंक्शन है ये? फ्लो रेट की एन पावर का फंक्शन है। अभी के लिए समझो पहले, और अब ये फंक्शन की मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? जो टोटल प्रेशर ड्रॉप है, जो प्रेशर लॉस्ट है या एनर्जी में लॉस्ट है, उसको डी क्यू के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर दूंगा। तो इसमें जो पॉइंट मिलेंगे, दो पॉइंट मिलेंगे, उसमें से जिसका डी स्क्वायर पी बाई डी क्यू स्क्वायर पॉजिटिव होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे मुझे एक ही रूट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस कंडीशन में मुझे एक ही रूट मिल रहा है, तो ये प्रोसेस होती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने क्या बोला कि पी टोटल जो मिल रहा है, पी टोटल जो मिल रहा है वो किसकी वजह से है? वो पी बीट प्लस पी सेक्रीफाइस लॉस की वजह से। किसकी वजह से? सेक्रीफाइस लॉस। अब जब हमने देखा था तो सेक्रीफाइस प्रेशर ड्रॉप करने के सारे फॉर्मूला आपकी बुक में दिए हैं। ठीक है, बड़े बड़े फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक विस्कोसिटी, यील्ड स्ट्रेस, वो सारे आपको रटने नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से ये लॉस हो रहा है, वो टोटल को मैंने पी सेक्रीफाइस बोल दिया है। ये किसका लॉस है? पाइप के इनसाइड का, फिर पाइप के आउटसाइड का, फिर कॉलर के आउटसाइड का, और कॉलर के इनसाइड का, और सरफेस। कितना कितना है? रुको, इसमें सरफेस काउंट होता है कि नहीं? ओके, इतना टोटल लॉस्ट है। तो ये सारे जो लॉस्ट है, ठीक है, प्लस सरफेस भी, तो ये सारे जो लॉस्ट है ये सारे किसकी वजह से थे? मैंने आपको आगे ही बताया था किसकी वजह से थे? फ्रिक्शन की वजह से थे। जब भी हम फ्रिक्शन चैप्टर देखेंगे और उसमें पाइप इनसाइड फ्लो देखेंगे, इंटरनल पाइप फ्लो देखेंगे, तब आपको मैं वहाँ पे बोल दूंगा कि ये जो प्रेशर ड्रॉप है, यानी कि पी सेक्रीफाइस, वो ऑलवेज क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू, सॉरी, वो ऑलवेज क्यू रेस्ट टू के एन के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर वेलोसिटी के एन के प्रोपोर्शनल होता है। बट यहाँ पे क्यू मेरा कांस्टेंट है, तो मैं क्यू के एन के प्रपोजल में क्या बोल रहा हूँ? मेरा सेक्रीफाइस लॉस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कैपिलरी का चैनल में मैंने बोला था आपको, प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कुछ इस तरह से, पाई आर रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 म्यू एल इज इक्वल टू फ्लो रेट। तो यहाँ पे देखो डेल पी चले छे क्यू क्यू रेस टू 1, यानी कि एन क्या है? 1 है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लेमिनार फ्लो है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आगे जाके जब हम प्रूव करेंगे, ये फॉर्मूले को ही हमने क्या बोला था? हजुंग पॉइजलनेस, ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, हेजुंग हेजुंग पॉइजलनेस फॉर्मूला। ठीक है, कैपिलरी मॉडल होता है, जो हमारे पोरस मीडिया के लिए, हमारे पोरस मीडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक ऐसा कैपिलरी मॉडल इस साइंटिस्ट ने बना के दिया है कि ये फॉर्मूला भी हम क्या कर सके, यूज़ कर सके। ठीक है, सो वो फ्रिक्शन चैप्टर में देखेंगे। बट ये लेमिनर था तो पी पी क्रिस्ट, ये जो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप था तब भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि किसके इक्विवेलेंट होता है? फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप होता है। ठीक है, वो फ्रिक्शन चैप्टर में काउंट करेंगे। तो अभी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आगे जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स पुट हियर, ये वाला इक्वेशन जो फर्स्ट था वही है, तो उसमें रखो। तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल जो लॉस्ट है वो क्या होगा? पी बीट प्लस के फ्लो रेट रेस टू एन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? के क्यू रेस टू एन जितना
निकल के आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखो। ये कुछ इस तरह से प्रेशर का हमने बोल दिया। अब मैं हर जगह पे क्या करता हूँ, फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे भी फ्लो रेट, यहाँ पे भी फ्लो रेट, सॉरी ये क्यू स्मॉल ही है, ठीक है, यही क्यू है, ठीक है, सेम क्यू है, के सॉरी के लिख दिया तो हो जाएगा क्यू रेस टू एन प्लस वन। इसको 17-14 से डिवाइड कर रहता हूँ हर जगह पे, सिंपल है, ठीक है। अब ये क्या मिला, हॉर्स पावर, हाइड्रोलिक हॉर्स पावर रेट, टोटल हाइड्रोलिक हॉर्स पावर जो जी हमने पंप का रेटिंग निकाला, इसे मैं बीट का बोल देता हूँ, ठीक है, हाइड्रोलिक हॉर्स पावर ऑफ बीट प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली देखो ये वाला इसी तरह से रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये मिनिमम चाहिए, चलो यही वाला फॉर्मूला ले लेते हो, ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स डिफरेंशिएट, चलो मैं हाइड्रोलिक हॉर्स पावर बीट बोल देता हूँ इज इक्वल टू हाइड्रोलिक हॉर्स पावर ये टोटल वाला माइनस के क्यू रेस टू एन 17-14, ठीक है। इसको आप अगर डिफरेंशिएट करके लिखोगे डी बाई डी क्यू इज इक्वल टू, देखो अब इसमें कांस्टेंट पैरामीटर कौन से है, कांस्टेंट पैरामीटर कौन से है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 17-14, यस इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको तो कुछ लिखना नहीं है, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन फॉर्म में। आपके लिए ये प्रूव करना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको प्रूव करना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा 17-14। सो लेट्स, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, बीट का, देखो बीट क्या, जो हमारा सबसे ज़्यादा लोस्ट कहाँ पे होता है, बीट पे होता है, वो मुझे क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है, मुझे बीट का जो हाइड्रोस्टेटिक हॉर्स पावर है वो मिनिमाइज़ करना है, तो ये 0 हो जाएगा तभी मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो अब मैं लिख सकता हूँ ये पी टी अपन 17-14 माइनस, यहाँ पे देखो के एन क्यू रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 17-14। सो ये 17-14 निकल के चला जाएगा तो पी टी क्या मिलेगा, एन के क्यू रेस टू वन प्लस एन, इसको मैं फिर से फर्दर लिख सकता हूँ पी टी इज इक्वल टू एन के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 2n, ये हो जाएगा अपना, यही तो क्या था, सेक्रिफिकेशन प्रेशर ड्रॉप था, तो ये मिलेगा। ओके यहाँ पे वो प्लस वन है, ओके ओके सॉरी यहाँ पे प्लस वन है, ये वाला एन प्लस वन है, ओके एन प्लस वन सॉरी यहाँ पे आ जाएगा एन प्लस वन, और यहाँ पे निकल के आएगा एन प्लस वन, और यहाँ पे बचेगा एन, और यहाँ पे मिल जाएगा एन प्लस वन, और ये एन, और इसको ही हमने क्या बोला था, वो
ये क्या हो जाएगा एन प्लस वन इंटू, इसको ही क्या बोला था सेक्रीफिशियल लोड। और तो कौन सी कंडीशन निकल के आ रही है वो देखो आप, पी एस होना चाहिए वन अपन वन प्लस एन पी टी। और इक्वेशन वन पर से मैं लिख सकता हूँ पी बिट कितना होना चाहिए, यस कितना होना चाहिए, पी बिट क्या था पी टोटल माइनस पी एस, तो पी बिट कितना होना चाहिए व एन अपन, आप यहाँ पे ये रख दोगे, ये यहाँ पे रख दोगे तो मिलेगा एन अपन वन प्लस एन इंटू पी एस। सो कोई भी यूज़ करो बट कंडीशन याद रखो, ठीक है। ये हो गया ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे डेरिवेशन कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है, डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने क्या किया बेसिकली, ये वाला रिलेशन था कि जो पाइप फ्लो होता है इनसाइड द पाइप फ्लो उसमें फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप क्यू रेस टू एन के प्रोपोर्शनल में होता है, दैट वी हैव यूज, दैट वी विल प्रूव इन प्रोडक्शन इन फ्रिक्शन चैप्टर। सो नॉट डिस्कसिंग दैट मच हियर, बट हियर आई हैव ऑलरेडी गिव यू सम आइडिया हाउ दिस इक्वेशन केम। सो आपको क्या याद रखना है, देखो अब तक जो स्टोरी पढ़ाया उसमें आपको ये वाला इक्वेशन याद करना है, ये पता होना चाहिए, हाइड्रोलिक हॉर्स पावर पता होना चाहिए। एंड डायरेक्टली मैं बोल दूँ ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये वाली कंडीशन जो हमारा, सॉरी यहाँ पे पीटी आएगा, ठीक है याद रखना, जो टोटल लॉस्ट है, अगर जब मैं टोटल लॉस्ट है उस हिसाब से बिट का लॉस्ट कितना रखना है हमें, एन अपन वन प्लस एन जितना। अब कोई बोलेगा ये एन इधर क्या है, एन कुछ नहीं है, प्रेशर जो हमारा सेक्रीफ्यूजन प्रेशर था उसके वर्सेस क्यू का अगर मैं कर्व फिट करना चाहूँ तो उसका जो स्लोप मिलता है उसका स्लोप होता है एन, ठीक है। ये प्रेशर वर्सेस फ्रिक्शन ड्रॉप जो प्रेशर का है उसके वर्सेस फ्लो रेट का कर्व ड्रॉ करूँ तो उसका जो स्लोप मिलता है एन, वी विल कवर दिस ऑल बट लेटर। सो अभी के लिए ये मत याद रखो, बट कंडीशन याद रखो आइदर इन टर्म्स ऑफ पी बिट या आइदर इन टर्म्स ऑफ दी पी सेक्रीफाइस लोड, ठीक है, ये बिट का लॉस्ट है। तो इस हिसाब से आप ऑप्टिमाइज के लिए क्या कंडीशन है, ये वाली। सिमिलर वे में मैं बोल दूँ कि ऑप्टिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट बोल रहा है, अगर वो क्या बोल रहा है, ऑप्टिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट फोर्स, ठीक है, जब इम्पैक्ट फोर्स मैक्सिमम है उस टाइम पे कितना होना चाहिए, तो पी बिट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा टोटल बिट के हिसाब से, ठीक है, तब ये वाली कंडीशन ऑप्टिमाइज कंडीशन होगी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग कुछ इस तरह से होता है कि जब इम्पैक्ट फोर्स मैक्सिमम होगा उस टाइम पे मुझे सबसे कम एनर्जी यूज हो और मेरा सर्कुलेशन हो जाए उसके लिए मुझे पी बीट जो प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस दी बीट है वो कैस कितना रखना है, तो जो टोटल प्रेशर ड्रॉप है वो टोटल प्रेशर ड्रॉप का आगे कोफिशियंट हो इससे मल्टीप्लाई करो उतना क्या रखो, पी बीट रख दो, ठीक है। सो ये था हमारा ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग पी बीट आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी एट नोजल और उससे नोजल का डायामीटर। तो ये पूरी डिज़ाइन थी हमारी बीट की और ये पूरा हाइड्रोलिक था रिक का। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला निकल के आ रहा है पी बीट वाला और ये वाला, ये नॉर्मल कंडीशन पे जब इम्पैक्ट फोर्स नॉर्मल हो, ये कब, जब इम्पैक्ट फोर्स मैक्सिमम हो, ये दो लिख दो। तो आज के लिए ये दो फॉर्मूला और आगे जो देखी कंडीशन सारी, ये वाला भी याद रखो ताकि आपको ईजिली कन्वर्ट करना आ सके, ठीक है, ये भी याद रखो, ठीक है, ये वाला भी। तो ये तीन फॉर्मूला ऑप्टिमाइज कंडीशन के आपको क्या करने हैं, याद रखने। इसके बाद वो इम्पैक्ट फोर्स निकालना पूछे तो प्रेशर इनटू एरिया कर सकते हो, यस प्रेशर इनटू एरिया करके निकाल सकते हो। और अगर फोर्स पूछे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, वन आप रो वी स्क्वेयर और उसमें भी वी इंटू ए क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो दैट इज़ वेरी बेसिक फॉर्मूला, आपको एसआई में दिए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, बट फील्ड यूनिट में लिख के देंगे तो समझ में नहीं आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। तो ये था रिग हाइड्रोलिक पूरा हमारा, इसमें हमने सब कुछ मोस्ट ऑफ द स्किप किया कि प्रेशर ड्रॉप कैसे निकालते वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेशर ड्रॉप पिच एट ईच पॉइंट यानी कि पाइप का इनसाइड पाइप का आउटसाइड ये सारे निकालना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलाज थे वो हमने
रिग हाइड्रोलिक में कवर की और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक दो चीज़ बाकी है वो देख लेते हैं। छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी बाकी है बट बेसिकली इसी में अगर मैं बात करूँ तो n इक्वल टू आप 1 रख सकते हो लेमिनार के लिए, और अगर आप n 1 रखोगे तो p बीट नॉर्मल कंडीशन में निकल के आएगा 50% ऑफ दी टोटल लॉस्ट। उसका मीनिंग कि अगर मैं इतना प्रेशर की एनर्जी यहाँ पे डाल रहा हूँ तो p बीट पे कितना प्रेशर का लॉस्ट होगा, आधा लॉस्ट हो जाएगा, दैट मीन्स आधा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 3000 होता तो ये कितना होता, आधा हो जाएगा। ठीक है, 3000 होता तो यहाँ पे 1500 होता। ठीक है, कितना होता 1500, कितना होता 1500। तो ये ऑप्टिमाइज कंडीशन हुआ, ये वाली वैल्यू के हिसाब से ये वाली लेंगे तब ऑप्टिमाइज कंडीशन मिलेगी। ठीक है, नॉर्मल केस में, और टर्बुलेंट के लिए एन की वैल्यू होती है वो दे के रखेगा। ठीक है, टर्बुलेंट के लिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, रेंज में होती है, बट लेमिनार है तो 1 फिक्स है। ओके, दैट वी विल प्रूव एंड वी हैव ऑलरेडी सीन हजुंग पॉइजनलेस इक्वेशन, इसमें भी हमने देखा था, अभी मैंने लिख के भी बताया, डेल पी चले छे क्यू होता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक सा पूरी रिक को कैसे उसके सारे प्रेशर ड्रॉप हम ड्रिलिंग के टाइम पे गिनते हैं, बट ये यहाँ पे उतना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता, बट ये जो छोटे मोटे फॉर्मूला थे वो आपको बता दिए। अब बात करते हैं मड कैरिंग कैपेसिटी की। ठीक है, अब हमने प्रेशर ड्रॉप निकाल दिया, नोजल पे कितनी वेलोसिटी मिलेगी वो भी निकाल दी, अब बात करते हैं मड कैरिंग कैपेसिटी की, किसकी, मड कैरिंग कैपेसिटी की। व्हाट डज मीन दैट, कि मड के पास कितनी कैपेसिटी, आइदर वो गटिंग को उठा पाएगा, और उठा पाएगा उसको तो किस कंडीशन में। और हमने अभी देखा है कि मड को अच्छा क्लीनिंग के लिए टर्बुलेंट फ्लो देना चाहिए। ठीक है, और उसकी विस्कोसिटी और जेल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए ताकि स्टेटिक कंडीशन में भी सस्पेंडेड करके रखे। इससे शुरुआत करते हैं, अब बात करते हैं अगर अनसफिशियंट होल क्लीनिंग हो रहा है तो क्या होगा, अनसफिशियंट होल क्लीनिंग हो रहा है तो क्या होगा। आई होप ये यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता, इसके बाद ही होल प्रॉब्लम सीधा स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें देखेंगे कि अन इफेक्टिव होल क्लीनिंग से कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट थिंग मैं आपको बोल दूँ ये क्या है, ये मेरा वेल है। ओके, और यहाँ पे बीट है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से मड को सर्कुलेट करवा रहे हैं, और यहाँ पे मड क्या कर रहा है, यहाँ पे सॉलिड है, सपोज करो इस तरह से सो ये सॉलिड को ऊपर की ओर उठा रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर की ओर भेज रहा है। तो थोड़ी टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है टर्मिनल वेलोसिटी, या इसे ही बोला जाता है स्लिप वेलोसिटी। ठीक है, क्या है स्लिप वेलोसिटी, स्लिप वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी की बात करूं तो आपने पढ़ के रखा है स्टोक लॉ इन द स्टैंडर्ड ऑफ द 12th, ये हम फिर से देखेंगे प्रोडक्शन में। सो आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो कि ये सारे पार्टिकल्स है। ठीक है, ये एक पार्टिकल्स है, और इसमें इस तरह से फ्लूड इस पे क्या हो रहा है, इस तरह से फ्लूड फ्लो हो रहा है, तो ये जो ब्लैक कलर है वो फ्लूड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब मैं बात करूँ कि ये पार्टिकल बिलो फॉल कब करेगा, मैं बोल रहा हूँ सारे डाउनवर्ड फॉल इफेक्टिव हो जाए उस कंडीशन पे ये डाउनवर्ड फॉल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये इसके साथ नहीं जाएगा बट डाउनवर्ड फॉल करना स्टार्ट कर देगा, कब, जब सारे इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा हो जाए। तो इस पॉइंट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस पॉइंट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो फर्स्ट है उसका ग्रेविटी, और ये मड के इनसाइड है तो उस पर बोयंसी भी होगा, और थर्ड वन फोर्स है वो है ड्रैग फोर्स, और ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन होती है ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ द फ्लूड फ्लो, जो जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लूड फ्लो रहा है उसी डायरेक्शन में, यानी कि ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, और ये डाउनवर्ड है, यानी कि इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी, जो मड आ रहा है ठीक है उसकी ग्रेविटी से अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पार्टिकल्स डाउनवर्ड फॉल करना स्टार्ट कर देगा, दैट वी विल कवर इन दी मोर इन दी प्रोडक्शन। सो ये एक वेलोसिटी है जो
हमारे पार्टिकल्स को क्या टेंस करती है, डाउनवर्ड्स जाने के लिए उत्साहित करती है, ठीक है, प्रोत्साहित करती है, ठीक है। इट विल, व्हाट इट विल डू, इट विल बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू सेटल डाउन दी पार्टिकल्स। सो मैं इसको बोल रहा हूँ अभी के लिए डाउनवर्ड। सेकंड इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, एन्यूलर वेलोसिटी, एन्यूलर वेलोसिटी सिंपली यहाँ से जो मड़ की वेलोसिटी निकल के आ रही है, ठीक है, यहाँ पे जो मड़ की वेलोसिटी निकल के आ रही है कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज दी एन्यूलर वेलोसिटी। एंड थर्ड वन इज दी ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी, किसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी। अब ये एन्यूलर वेलोसिटी बोल रहा है तो वही तो नोजल की वेलोसिटी है, ठीक है, वही तो हमने निकाला। तो यू नो वर्ड वेलोसिटी, आइदर यू कैन कैलकुलेट वी नोजल बाय यूजिंग पी बीट एंड फ्लो रेट, ओके, पी बीट रो ऑफ द फ्लूड यू कैन कैलकुलेट वी एन, और आइदर फ्रॉम द फ्लो रेट एंड एरिया ऑफ द नोजल यू कैन कैलकुलेट द वी एन, मिल सकती है। यस, ये स्टोक लो बोल देगा कि आप ये वाला फ्लो कर, ये वाला काउंट करने के लिए कौन सा लो अप्लाई कर लो, स्टोक लो अप्लाई कर लो, तो वहाँ से स्टोक वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी कि ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी मिल जाएगी, ओके। स्टोक लो कहाँ पे वैलिड होता है, दैट वी विल कवर इन प्रोडक्शन, बट अभी के लिए आपको पता चल जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट डिफरेंस इन दी एन्यूलर वेलोसिटी एंड स्टोक लो वेलोसिटी, क्या होगा, एन्यूलर वेलोसिटी माइनस स्टोक लो यानी कि स्लिप वेलोसिटी, उसे हम क्या कहते हैं, दैट वी कॉल ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी। सिंपली आपको पता चल गया ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी, ये टर्मिनोलॉजी अभी याद रखो, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्वियसली बन सकता है, कैसे बनेगा, यहाँ पे मैंने आपको बोला कैसा डेटा देगा और यहाँ पे ये स्टोक लो का डेटा देगा, अभी तक तो उसने स्टोक लो दो बार पूछा है बट इससे आगे नहीं गया, बट ऐसे जा सकता है। तो ये ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी, इसको ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी क्यों कहते हैं, तो कोई भी पार्टिकल है वो कुछ वेलोसिटी से डाउनवर्ड आने की ट्राई कर रहा है और कोच उसको अपवर्ड ले जा रहा है, तो एन्यूलर वेलोसिटी यानी को मड़ की वेलोसिटी और स्लिप वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो पार्टिकल अपवर्ड ही जाएगा, क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी, ये देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी है कि नहीं, यस, एन्यूलर ज़्यादा होनी चाहिए पार्टिकल को अपवर्ड उठाने के लिए, तो यही क्या है ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी, ये इफेक्टिव वेलोसिटी है, कोई मुझे डिफाइन करना बोल दे तो मैं बोल दूंगा ये एक इफेक्टिव वेलोसिटी है जो मेरे कटिंग्स को क्या करती है, अपवर्ड भेज रही है, ठीक है, ये इफेक्टिव वेलोसिटी है, इफेक्टिव का मीनिंग आप समझते हो। सो इसके बेस पे अगर कोई मुझे बोल दे कि ड्रिल कटिंग कंसंट्रेशन क्या होगा तो मैं निकाल सकता हूँ ड्रिल कटिंग कंसंट्रेशन, सांद्रता, कितनी सांद्रता, कितना कंसंट्रेशन होगा ड्रिलिंग का और ये कितना ओके हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ दी ड्रिलिंग कटिंग प्रेजेंट इन दी मड कितना होगा, देखते हैं, निकालते हैं, चलो ये कैसे डिफाइन होगा। सो डिफाइन कुछ इस तरह से होगा, कटिंग की क्या लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ, एन्यूलस में है तो सी ए यूज कर रहा हूँ, ये होगा, ये में होगा हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द कटिंग ड्रिल्ड, क्या होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द कटिंग ड्रिल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इफेक्टिवली लिफ्टेड, वॉल्यूम ऑफ द कटिंग लिफ्टेड टू सरफेस, निकाल सकते हो, यस, चलो ट्राई करते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द कटिंग ड्रिल कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द, ये वॉल्यूम है कटिंग, कितना होगा, देखो मैं बोल रहा हूँ मैं एच फीट जितना ड्रिल कर रहा हूँ, कितना फीट ड्रिल कर रहा हूँ, एच फीट जितना पर आवर ले लो, चलो पर आवर में मैं एच फीट जितना, यानी कि ये क्या दिया है, आरओपी दे के रखा है, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शनल कितना होगा, जितना मैं होल ड्रिल कर रहा हूँ उतना उसका क्रॉस सेक्शन होगा, ये डी ऑफ दी होल मिल गया, ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ वॉल्यूम पर एक आवर में, वन आवर में कितना वॉल्यूम कटिंग मैंने किया होगा, यस, कितना, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये एच है सपोज करो, तो क्या होगा आर ओ पी, सॉरी ऐसे नहीं, पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा होल का डायामीटर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट क्या देता है, वॉल्यूम देता है, यस, तो मैं एच की जगह आर ओ पी यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ,
एट की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ, आरओपी यूज कर रहा हूँ, क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पर आवर में कितना ड्रिल कर रहा हूँ वो जानने के लिए। ठीक है, एक आवर में इतना ड्रिल हो रहा है, कितना एच जितना। आगे बात करते हैं, अब ये इतना टोटल मेरी कटिंग क्या होगा, इतना मेरा टोटल कटिंग मुझे मिलेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ आगे डिवाइडेड बाय, ये किस यूनिट में मिलेगा देख लो। सपोज करो सब कुछ फिट में है, सब कुछ फिट में ले रहा हूँ, चलो अभी तक चलो वॉल्यूम नहीं देखते हैं, डिवाइडेड बाय कितना कटिंग मिला, लिफ्ट हो रहा है वो कैसे मिलेगा। ये एक तरह से देखो ये क्या है, मेरा फ्लो रेट है। ठीक है, क्या है फ्लो रेट, डिवाइडेड बाय भी मुझे फ्लो रेट ही करना है। ठीक है, मुझे फ्लो रेट ही करना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा इस केस में, होल का। बट अब जब कंसेंट हम कटिंग्स ऊपर उठा रहे होंगे तब क्या आ जाएगी, ड्रिल पाइप आ जाएगी, तो ये आउटर पाइप ऑफ दी ड्रिलिंग की पाइप का आउटर डायामीटर, तो क्रॉस सेक्शनल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये क्या लिखा, क्रॉस सेक्शनल लिखा, ये भी तो एक वेलोसिटी थी, आरओपी भी एक वेलोसिटी थी, तो अब यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी ले रहा हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी। क्यों टर्मिनल वेलोसिटी ले रहा हूँ, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी से ही मुझे पता चलेगा कि इफेक्टिव वेलोसिटी क्या हो रही है। ठीक है, ये इफेक्टिव वेलोसिटी है जो कटिंग्स को मिल रही है, तो इफेक्टिव वेलोसिटी वाले कटिंग्स ही क्या होंगे, लिफ्ट हुए होंगे, जिसकी इफेक्टिव वेलोसिटी कुछ निकल के आ रही होगी। इफेक्टिव वेलोसिटी जीरो या नेगेटिव होगी तो वो पार्टिकल ऊपर नहीं लिफ्ट हो रहे होंगे। तो ये इस तरह से लिखा, तो ये फाइनल कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आप याद कर लो, आरओपी इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी इंटू ये कुछ इस तरह से मिलके आएगा। तो ये थी हमारी कटिंग की कंसंट्रेशन, और जब भी हम मड पिट से मड को उठा के डाल रहे होते हैं नए सर्कुलेशन के लिए, तो उसमें 5% से ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक 5% से ज़्यादा क्या नहीं होनी चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। ये हमने वॉल्यूम बेस पे निकाला, तो वॉल्यूमेट्रिक बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये अगर मुझे इंच में दिया है और ये इंच में दिया है तो ये तो हट जाएगा, बट ये यहाँ पे ध्यान रखना ये फिट पर आवर में है, तो ये भी किस में होना चाहिए, फिट पर आवर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये था सिंपल सा, ये फिट पर आवर में है तो ये भी फिट पर आवर में होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, और इसका फिजिकल मीनिंग ये है, ठीक है, ये फिजिकल मीनिंग है, दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम जो सरफेस पे आ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में टोटल जो कटिंग ड्रिल हुए हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए तो जितने भी कटिंग्स ड्रिल हो रहे हैं उतने सारे लिफ्ट कर रहे हैं। बट अगर ये एक से ज़्यादा मिल रहा है, ग्रेटर देन वन, उसका मीनिंग क्या है, टोटल जो वॉल्यूम कटिंग का ड्रिल हुआ उससे क्या हो रहा है, ये कम कटिंग्स क्या हो रहे हैं, सरफेस पे मिल रहे हैं, सरफेस पे कंसंट्रेशन कम मिल रही है, यानी कि इफेक्टिवली पार्टिकल्स लिप नहीं हो रहे हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, मड के साथ उसको इफेक्टिव एन्यूलर वेलोसिटी ज़्यादा मिले, ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी रिग हाइड्रोलिक की। तो हमने अब रिग को क्या कर दिया है, डिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, हमने अब रिग को पूरी तरह डिज़ाइन कर दिया है, अब डिज़ाइन में कुछ बाकी आई गेस नहीं बचा है, बट निकले तो बोलना मत। ठीक है, सो ये था रिग हाइड्रोलिक, वी हैव कम्प्लीटेड रिग हाइड्रोलिक। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपने 60-65% से भी ज़्यादा आई थिंक ड्रिलिंग कवर कर लिया है। अब जो आएगा नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू स्टार्ट इज द होल प्रॉब्लम, व्हाट वी विल, चलो थोड़ी उसकी आउटलाइन बना देता हूँ। अब हम देखने वाले हैं होल प्रॉब्लम। सो आप होल प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले अब तक जो भी किया उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, ड्रिलिंग का मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ ना कर पाओ तो कुछ नहीं, बट ड्रिलिंग रिवाइज करो, क्योंकि होल प्रॉब्लम में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, उसका आंसर आपको आना चाहिए, और अगर आपने वो दे दिया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उसी के लिए होल प्रॉब्लम पूरा का पूरा होगा वो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे होगा। किस पे, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे।
ठीक है, हमने सब कुछ जो अब तक देखा है, हमने बहुत सारा देखा है, उसी का रिफ्लेक्शन होल प्रॉब्लम है। ठीक है, उससे ही हम आइडेंटिफाई करेंगे भाई कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं। पूरा चैप्टर 4 देखने वाले हैं, सॉरी 14 तो रिक वो वाला था, एच राबिया का चैप्टर है जो होल प्रॉब्लम आई डोंट नो नंबर, बट वो हम कवर करने वाले हैं। देन वी विल कवर वेल कंट्रोल एंड देन डिज़ाइन। ओके, देन डिज़ाइन। ओके, सो हम इतना पहले देखेंगे, देन डिज़ाइन एंड देन डायरेक्शन ड्रिलिंग। तो ये चार पोर्शन अब बचे हैं, 10-10% के समझ लो। तो होल प्रॉब्लम आई होप 1 आवर में कंप्लीट होता है, तो 1 आवर, 1.5 आवर, जितने भी आवर लेता है, बट वी विल सी, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर यू दे दोनों। ठीक है, थियरी के एस्पेक्ट में देखो, रट के रखोगे कुछ नहीं याद रहेगा, एग्जाम में सब कुछ भूल जाओगे। हम जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, मैंने स्टार्टिंग से ही आपको मोस्ट ऑफ दी चीज़ें लॉजिकल बताई, फ्यू चीज़ें, केवल 9 पॉइंट आपको बोला था कि आप समझ ना पाओ तो रट लो, जो कि बीट के थे। ठीक है, बीट के पैरामीटर थे वो, बट वो भी आपको लॉजिकली तो अंडरस्टैंडिंग हुआ ही होगा। ठीक है, तो अब जो चैप्टर है होल प्रॉब्लम, दैट होल अबाउट लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, आपने अब तक समझ भी लिया है पूरा का पूरा। मैं आपसे बोलता हूँ, एबनॉर्मल जोन आता है, आरओपी क्या होती है, आप तुरंत आंसर दे दोगे कि भाई बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, उसका रीज़न तो भाई आप बोलोगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो इससे आपको एक चीज़ पता चले कि जब भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है तो आरओपी बढ़ जाती है। तो ऐसी चीज़ें आपको कुछ पता है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ उतना नया तो नहीं आएगा, बट थोड़ी बहुत जो लॉजिकल मेथड है वो देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट होल प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।